Hey guys, welcome back to the channel. How are you all? So guys, today I'm going to present you my full review of the Motul 8100 X-cess 5w40 fully synthetic engine oil, जो कि अभी हमने recently पुंटो के अंदर डाला था last service पे, जो कि around हो गए हैं approximately 2000 something kilometers में. Exactly आपको अभी screen पे बता दूंगा. And ये guys, जो यहाँ पे link आपको अभी नजर आ रहा है, ये है पुंटो की last service का video. So अगर आप लोगों ने checkout नहीं किया तो please do check it out. क्या पता आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव हो. सो फर्स्ट अप गाइस, ऑयल को जरा चेकअप करते हैं कि क्वांटिटी 2000 किलोमीटर्स के बाद पूरी हैवी की नहीं, एंड विस्कोसिटी अगर टच करने पे हमें कैसी लग रही है. तो उसके बाद हम इसे करेंगे कोल्ड स्टार्ट टेस्ट, एंड उसके बाद मैं अपने इसके ओपिनियंस बताऊंगा आप सबको कि कैसे कैसे इसका एक्सपीरियंस रहा है मेरा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, लेट्स ओपन द बोनेट एंड लोकेट द डिपस्टिक. अगर आप लोगों को नहीं पता तो इंजन के बिल्कुल साथ में यहाँ पे होती है डिपस्टिक. बस आपको इसके फिंगर डालनी है, उसे ओपन करना है, बस ये ऐसे बाहर आ जाएगी. एंड इसके ऊपर मार्किंग्स दी होती है मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑयल की. सो गाइस, एज यू गाइस कैन सी, ऑयल तो बिल्कुल टॉप और टॉप भरा हुआ है मस्त एकदम. इसकी विस्कोसिटी चेक कर लेते हैं, एंड इट आल्सो फील्स प्रिटी फाइन टू मी, है कि नहीं. सो गाइस, इट इज टाइम टू स्टार्ट द कार. अभी आप देख ही रहे हो कि जो हीट का एनालॉग मीटर है वो बिल्कुल कोल्ड टाइप पे, कोल्ड पे ही है. सो हियर वी गो. तो गाइस, द स्टीरियो इसकी वॉल्यूम बिल्कुल जीरो है, एंड अभी इस शो कर रहा है इनसफिशिएंट इंजन ऑयल प्रेशर आउट, पता नहीं क्यों. सो एक बारी ऑफ करके वापस चालू कर देते हैं इसे. वन सीरम वाला अगर गाड़ी एक दिन के लिए खड़ी होते आ जाता है, पता नहीं क्यों इसे. आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो, पर ये काफी सालों से आ रहा है. नाउ द कार हैज बीन स्टार्टेड. व्हाट इज दिस? ये तो मैंने पहली बार देखा है. 104, व्हाट इज 104? गायब हो गया. सो गाइस, जो भी आप आवाज सुन रहे हैं इंजन की, ये बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट पे आवाज है. स्टीरियो एंड एसी इज ऑफ, एज यू गाइस कैन सी, वॉल्यूम जीरो. सो गाइस, अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में जो कि इस ऑयल के साथ है पिछले 2000 किलोमीटर से. एंड मैं ये बात आपको पहले बताना चाहता हूँ गाइस कि जब ये ऑयल बिल्कुल ब्रांड न्यू था, जो फर्स्ट 1000 किलोमीटर है स्पेशली, उसके अंदर तो गाइस कार वाज अल्ट्रा साइलेंट. खैर साइलेंट अभी भी है, इट इज वे बेटर देन द सेलिनिया, क्योंकि सेलिनिया मैंने लास्ट यूज किया था ओवर 14,500 किलोमीटर्स के लिए. सो हो सकता है कि उतने टाइम बाद उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई हो. सो मैं इसलिए 100% उस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं एक दोनों को ब्रांड न्यू ऑयल्स को साइड बाय साइड कंपैरिजन नहीं कर लेता, तब तक वो चीज पॉसिबल ही नहीं है. सो इन एनी केस, अभी 2000 किलोमीटर्स हुए हैं, द कार फील साइलेंट, द कार फील स्मूथ, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड द माइलेज इज ऑल्सो प्रिटी फैंटास्टिक. अभी एक माइलेज रन वीडियो भी मैंने इसका सिटी में बनाया है, एंड मे बी नेक्स्ट वीडियो ही इस वीडियो के बाद वो होगा. सो यू गाइज विल गेट द आइडिया. एंड मैंने गाइज इसको डालने से पहले कोई इंजन फ्लशिंग वगैरह नहीं किया था. सो हल्का फुल्का सेलिनिया जो मर चुका था वहां पे चिपका होगा सिलेंडर वॉल्स पे या ब्लॉक पे, सो वो भी थोड़ा बहुत तो मिक्स हुआ ही होगा ना डेफिनेटली. सो असली रीडिंग तो हमें मिलेगी जब हम सेकेंड टाइम इस ऑयल को यूज करेंगे. बट द थिंग इज, अभी कार चल रही है, एसी भी ऑन है. आप खास मेरे से, मैं अभी थ्रॉटल पे पैर नहीं रखा हुआ, खाली कार सेकेंड गियर पे, एंड इट इज मूविंग ऑन इट्स ओन. सो आप बताओ मुझे कि ये साइलेंट है या क्या है. मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ, आपको बस नजारा दिखाता हूँ. डोंट माइंड द लैम्प वाइब्रेशंस. ये एक्चुअली हमारे फोर्थ ऑर्डर ने इसको मार मार के हिला हिला के इसको थोड़ा सा लूज टाइप कर दिया है, पता नहीं कब ठीक होगा ये. द कार फील साइलेंट राइट? गाइस, अभी इंजन कंप्लीटली वार्म अप भी नहीं हुआ है. सो एग्जैक्ट रीडिंग तो मैं तब बताऊंगा, एक बार वार्म अप होने दो, उसके बाद देखते हैं कि कितना साइलेंट रहता है. जब हमने इसको कोल्ड स्टार्ट किया था गाइस, तब ये अप्रोक्सीमेटली 50 डेसिबल्स के पास चल रहा था. सो गाइस, द कार इज ऑलमोस्ट ऑन इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर. एंड अब आप इसको एक बार चेकआउट करो इसकी साउंड. मैं एसी को जरा ऑफ कर देता हूं. एसी हो गया ऑफ. नाउ गाइस, हियर द साउंड. हाउ वाज इट? लास्ट टाइम इट वॉज एट अराउंड 50 decibels, 48 टू 51 पे जंप कर रहा था. मैं भी चेक करके आपको बताता हूँ, मैं उसके साथ उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा अनफॉर्चुनेटली.
सो गाइस द नॉइज लेवल इज सेम जो हमारा गोल्ड स्टार्ट पर था अभी भी उतना ही है. आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा सा साइलेंट तो होना चाहिए था बट मैंने एसी के साथ ही उसे चेक किया है. एसी काफी मिनिमम फैन स्पीड पे है एंड उसके बाद भी ऑलमोस्ट उसी साउंड लेवल पे है वो. सो गाइस अभी थोड़ी सी स्पीड में चलते हैं एंड आपको मैं पिकअप दिखाता हूँ इसकी. तो सामने बिल्कुल कोई नहीं है एंड वी आर डूइंग अबाउट 30 kph एंड मैं हूं अभी थर्ड गियर पे. बस अब मैं इसको दबाऊंगा 50%. Feels good. 60 in no time at all. So guys, the pickup is just awesome. ऐसा नहीं लगता कि पुंटो is a slow car. Nowhere near slow. So guys, एक बार टेस्ट फिर से करते हैं इसका. I'm under 20 and I'm on second gear as you guys can see. So मैं अभी second gear पे इसकी just हल्की सी pickup उठाऊंगा around 2500 RPM के आसपास इस पर्टिकुलर रोड पे बिफोर द बैरियर्स एंड इन 3, 2, 1 गो. एंड इट डजंट इवन साउंड लाइक डीजल. थर्ड गियर इट इज डूइंग अबाउट ब्रेकिंग 40 kph. द हैंडलिंग द परफॉर्मेंस इज जस्ट टू गुड. कार फील्स ब्रांड न्यू गाइस. So I think I should conclude the review of the Motul 8100 X-cess. So guys, the main baat ye aati hai ki main is oil ko recommend karta hu aap sab ke liye ki nahi. So guys, I bought this oil from Flipkart for 2300 rupees, somewhere around 2300 rupees. And usme mujhe mila tha 4 liters punto mein lagta hai approximately 3.3 to 3.4 liters of engine oil. And baaki sara jo hamara bachta hai wo hum top ups ke liye use kar sakte hain, jo ki touch wood मुझे आज तक किसी भी कार में मेरी रिक्वायर्ड नहीं पड़ी. एक बार नैनो में जरूर पड़ी थी लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई और रीजन था, मैंने गलत चेक कर लिया था उसके अंदर. सो इन एनी केस गाइस, यू गाइस कैन परचेज दिस ऑयल एंड यू गाइस कैन रन फॉर मोर देन 10 to 15,000 किलोमीटर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सेलेनिया जो कि सेमी सिंथेटिक ऑयल है वो भी 14,000 प्लस किलोमीटर यूज किया था लास्ट उसकी सर्विस रिप्लेसमेंट से पहले एंड इवन देन द क्वालिटी ऑफ दैट ऑयल इज नॉट डेड, वो अभी भी चल सकता था. सो ये ऑयल है फुल्ली सिंथेटिक, उससे ऊपर ही है. सो 15,000 किलोमीटर्स की प्रॉब्लम ही नहीं है कोई भी. सो अभी 2,000 हो चुके हैं, मैं आपको इसका एक रिव्यू फिर से दूंगा एट अप्रोक्सीमेटली 7 to 8,000 किलोमीटर्स पे, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा. एंड नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली पूरी कोशिश मेरी है कि पुंटो का माइलेज रन इन द सिटी मैं आप सबको दिखाऊं, जिससे कि आपको एक माइलेज का आइडिया भी हो जाए कि कार सिटी के अंदर कितना माइलेज दे रही है विद द Motul 8100 X-cess. सो गाइस, दैट्स अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट रिव्यू ऑफ इंजन ऑयल एंड गाइस, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में. एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे पास कार रिलेटेड, कार ऑडियो रिलेटेड, होम ऑडियो रिलेटेड एंड कस्टम बिल्ड रिलेटेड सब ऊपर स्पीकर इंक्लोजर्स के बहुत कुछ रहता है चैनल पर. सो एक बार प्लीज प्लेलिस्ट पे या वीडियो के पेज पर नजर घुमा लेना. आई एम श्योर यू विल लाइक इट एंड अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर द चैनल विद एवरीवन यू कैन गाइस. सो फिर गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में. बाय, टेक केयर, सी या, हैव फन.